नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मदर चैनल वरना दुबे होमकुक फूड। फ्रेंड, टुडे आई लाइक टू टीच यू हाउ टू मेक द रोटी रोल्स। एनी चिल्ड्रन कैन मेक इट। दिस इज द वेरी हेल्दी रेसिपी एंड वेरी टेस्टी टू। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम रोटी के रोल्स बना सकते हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं, अब मेरी तरह और बच्चे भी बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और रेसिपी। फ्लावर एंड नाउ एड द हाफ टी स्पून सॉल्ट। तो ये हमने 2 कप आटा लिया है, अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। नाउ आई एड द वॉटर, दिस इज द 1 कप वॉटर आई एड। नाउ सो आई यूज 1 कप वॉटर एंड 2 कप फ्लावर। तो मैंने 1 कप पानी लिया था 2 कप आटे में। एंड नाउ आई यूज 1 टेबल स्पून मोर वाटर टू नीडिंग द डो। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे गुम्मी लगाने के लिए। सो नाउ डो इज रेडी। तो हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। एंड नाउ आई मेक दी स्टफिंग। तो अब हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। सो दिस इज दी 4-5 बॉइल्ड पोटैटो आई हैव ऑलरेडी मेस्ड इट। तो ये हमने 4-5 आलू लिए हैं उबले हुए और मैंने इनको पहले से ही मैश कर लिया था। एंड नाउ आई एड दी 1 टीस्पून सॉल्ट इन इट। तो हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। एंड दिस इज दी 1/2 टीस्पून क्यूमन रोस्टेड पाउडर। तो ये हमने भुंजा हुआ जीरा पाउडर लिया है। एंड दिस इज दी 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, ये हमने 1/2 चम्मच मिर्ची का पाउडर लिया है। एंड नाउ आई ऐड, एंड आफ्टर दैट दिस इज दी कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून मैगी मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैगी मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला। एंड दिस इज द हैंडफुल फ्रेश कोरिएंडर। तो ये हमने धनिया लिया है कटा हुआ, तो अब हमने इसमें धनिया डाल दिया है। एंड नाउ आई एड द 1 टेबल स्पून केचप। तो अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच केचप डाल देंगे। सो नाउ आई मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड पोटैटो। तो हम अब सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। सो नाउ दिस इज मिक्स। तो हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। एंड नाउ आई मेक द रोटी। तो अब हम चपाती रोटी बनाएंगे। नाउ आई मेक द चपाती। अब हम रोटी बनाएंगे। दिस इज द डो आई टेक। आई टेक दी स्मॉल बॉल्स फ्रॉम द डो। तो हम इसके छोटे छोटे पेड़े निकाल लेंगे। सो नाउ आई शिफ्ट इट इन द बाउल। एंड नाउ आई यूज दिस फ्लावर। एंड नाउ आई डिप इन द फ्लावर। So now chapati is ready and I have already opened the gas। तो अब हमारी रोटी बनकर तैयार है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। Now I turn it। तो अब हम इसको पलट देंगे जैसे ही इसमें वाइट वाइट आ जाए।
When bubbles has come, we have to cook in the low flame on the gas. तो जैसे इसमें बबल्स आ जाएं तो हम इसको गैस पर सेक लेंगे. Now I turn it. And now chapati is ready. तो अब हम इसी तरह सारी रोटियां बना लेंगे. I make all chapati like this. So now I make the rolls. This is the chapati and I spread the mayonnaise. This is optional. You have green chutney, you can also add green chutney. तो मैंने इसमें मेयोनीज लगाया है. अगर आप चाहें तो आप हरी चटनी और लाल चटनी भी लगा सकते हैं और ये ऑप्शनल है. दिस इज द पास्ता पिज्जा सॉस. दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल. तो ये हमने पास्ता पिज्जा सॉस लगाया है जो कि ऑप्शनल है. नाउ आई फिल द पोटैटोज. व्हेन आई गो टू स्कूल माय मदर मेक द फ्राइड पोटैटोज बट आई मेक द सिंपल. जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी मम्मी आलू को फ्राइड कर बनाती थी, लेकिन मैंने इनका भरता बनाकर ही बनाया है. नाउ रोल इट. दिस इज रेडी. तो हमारी रोटी के रोल्स बनकर तैयार हैं. तो ये मेरे भाई और मेरी बहन को बहुत अच्छे लगते हैं. सो दिस रोटी रोल्स इज रेडी एंड माय ब्रदर सिस्टर लाइक इट मोस्ट. And thank you for watching my video. Please like and subscribe and share. तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए.